नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव के घर पुलिस के जाने के बाद उसकी बेटी की मौत को लेकर राजनीति अब गर्म है। सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी मिली है और आपको बता दें कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, फांसी लगाने की भी पुष्टि नहीं हुई है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज के पास इसकी जानकारी है सूत्रों के हवाले से, और इसमें ये खुलासा हो रहा है कि चोट के निशान नहीं मिले हैं शरीर पर और साथ ही फांसी लगाने की भी पुष्टि नहीं है। कल दिनांक 1/5 को जो गांव मनराजपुरा थाना सैयद राजा में, वहाँ पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कन्हैया जो यादव है उनकी जो बड़ी पुत्री है जिनकी उम्र लगभग 24 वर्ष है उनकी मृत्यु हो गई है और उसमें काफ़ी वीडियो वगैरह भी वायरल हुए थे। और जब जानकारी प्राप्त हुई तो मेरे द्वारा, डीएम साहब द्वारा, कमिश्नर साहब द्वारा, आईजी साहब द्वारा मौका मुआयना किया गया और मौके पर सारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और उसके पश्चात जब परिजनों से बात करी तो उन्होंने पुलिस के ऊपर मारपीट का और उसके कारण मृत्यु हो जाने का मुकदमा दर्ज करवाया और उसी संबंध में SHO को ऊपर हमने निलंबन की कार्रवाई की। इसके पश्चात जब बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल जब हमने पोस्टमार्टम करवाया है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई है, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं। उसमें एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे, इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, पोस्टमार्टम में नहीं आई है। ABP News, आपको रखे आगे।